नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पपने। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह पावटा साहिब पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। विक्रमादित्य करीब 10 बजे पावटा साहिब के बातापुल चौक पर पहुंचे, जहां शिमला संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस के महासचिव अवनीश सिंह लांबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद विक्रमादित्य स्थानीय लांबा रिजॉर्ट में जलपान करके आगे निकल गए। एकत्रित हुए सैकड़ों लोगों ने टिक्का साहब जिंदाबाद और अवनीत लांबा जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे खुश होकर विक्रमादित्य ने सभी लोगों को आगामी चुनावों के लिए एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहा। साथ ही अवनीत सिंह लांबा ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि पावटा सहित पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। भाजपा यात्रा निकालकर जनता को भ्रमित कर रही है और मीडिया में ये झूठ प्रचार कर रही है कि क्षेत्र के कांग्रेसी परिवार टूटकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। काबिले जिक्र बात है कि चुनावी वर्ष में जहां स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कोई विकल्प नहीं सूझ रहा था, वहीं कांग्रेस के युवा नेता और शिमला संसदीय युवा क्षेत्र कांग्रेस के महासचिव अवनीत सिंह लांबा के आज अचानक चुनावी मैदान में ताल ठोकने से 18 पंचायतों के लोगों ने उनका हर्षधन से स्वागत किया। विक्रमादित्य सिंह ने सामने ही अपने नेता अवनीत लांबा के पक्ष में नारे लगाए। इस मौके पर पावटा विधानसभा की 29 पंचायतों में से लगभग 18 पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी मेंबर, वार्ड मेंबर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं पर अपना सारा कार्यक्रम समाप्ति के बाद वापस शिमला रवाना हो तो विक्रमादित्य ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू होते हुए पूछे गए सवालों के बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिए। सर, एक चीज़ और पिछले लंबे समय से देखने में आ रही है कि बीजेपी के यहाँ पे एक तो मौजूदा विधायक हैं शिलाई क्षेत्र से बलदेव तोमर जी, बार बार वो दावे होते हैं वहाँ से कि जी आज इतने परिवार टूट के कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक वो करीबन 300 से अधिक परिवारों का विवरण दे चुके हैं। फिर अगर हम पाउटा में आते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पूर्व CPS और विधायक थे सुखराम चौधरी जी, वो भी आजकल वही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। कभी तो वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी बोलते हैं कि हमने काला धन वापस ले आया, कभी बोलते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सारा विकास करवा दिया। आज जब प्रदेश की जनता को ये बात जो है साफ हो चुकी है कि दो बारी प्रधानमंत्री महोदय जो है हिमाचल आए और दोनों बारी उन्होंने केवल और केवल प्रदेश के लोगों को जुमला दिया। प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनावों में भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाया। 4 सांसद यहाँ से हिमाचल प्रदेश से चुनकर गए, मगर एक भी नई स्कीम, एक भी नया प्रोजेक्ट, एक भी नया पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये हैरानी की बात है कि आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक, जितने भी प्रधानमंत्रियों ने ऐतिहासिक रिज मैदान से प्रदेश को संबोधित किया है, कोई ना कोई पैकेज उन्होंने प्रदेश को, प्रदेश के विकास के लिए दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1500 करोड़ रुपए का पैकेज जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय प्रदेश को दिया था। ये पहले प्रधानमंत्री है जो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान से जिन्होंने प्रदेश को संबोधित किया और केवल वहां पे जुमले देकर और ऐसी बातें जो बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं है। उन्होंने वहां पे कहा कि हम जो है कोका कोला में हिमाचल के सेब डलवाएंगे। ये इतना बड़ा जुमला प्रधानमंत्री अगर इस चीज को बोल रहे हैं, जो कोका कोला जिसने अमेरिका के बोलने पर कभी अपना फॉर्मूला चेंज नहीं किया, अगर वो भारत के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ये करे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज संभव नहीं है। ये केवल प्रदेश की जनता को जो है झूठ बोलने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। आज लोग उस चीज से भली भांति जो है उस चीज को जानते हैं। अब चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ जो है उनको पैंतरा बीजेपी वालों को चाहिए, इसलिए इस तरह के जो है अनशन बयानबाजी करते रहते हैं। ये जरूर हो सकता है कि एक आधा कोई परिवार फॉर सम रीजन और दी अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, मगर उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, उसको लोगों को उससे लाभान्वित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और उसी प्रोपोगंडा मशीनरी, जो मोदी जी की प्रोपोगंडा मशीनरी है, उसी को ये आगे फैलाने में इनके जो और छोटे मोटे कार्यकर्ता है, इनके जो विधायक है वो कार्य कर रहे हैं, मगर प्रदेश की जनता इनके ऐसे जो ये प्रोपोगंडा करती है उससे प्रदेश की जनता इस बारी जो है उनके उनके उसमें नहीं आने वाली। सवाल ये है कि पावटा साहिब की जो चुनाव के विगत हम देख रहे हैं कि विगत 10 सालों से, पिछले 15 सालों से चुनाव में कांग्रेस को हर बार मुक्की खानी पड़ रही है, और उसका कारण ये है कि यहाँ से किसी यूथ को नहीं दिया जा रहा है टिकट,
जब भी किसी को टिकट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, तो बगावत कर देता है कुछ, मतलब लोगों की अपेक्षाओं पे वो खरे भी नहीं उतर पा रहे हैं। और यहाँ के ज्यादातर लोगों का अभी भी जो कुछ चल रहा है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर अपना स्पेस देख रहे हैं, तो लोगों की यही मांग है कि क्या कांग्रेस अपना यूथ का कोई कैंडिडेट यहाँ से उतारे या सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करे। देखिए, जहां तक हमारी कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने हर क्षेत्र में युवाओं को प्राथमिकता दी है, विषय चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो इलेक्शंस में हो, हर जगह उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। अभी पीछे जो पंचायती राज के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, उसमें भी हमने अधिकतर युवा कांग्रेस के माध्यम से बहुत से चेहरे ग्राम पंचायतों में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में उतारे हैं। स्वाभाविक है कि अभी आगे जो विधानसभा के चुनाव है, उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि नए चेहरे को विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा में उतारे जा सके। मगर निश्चित तौर से उसमें जो स्थानीय वहाँ का जो इलाका है, उसमें उनके लोकल राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना पड़ता है टिकट आवंटन से पहले, तो वो चीज़ भी हमको देखने की आवश्यकता है। मगर निश्चित तौर से जहाँ तक पौंटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, हम काफ़ी समय से इस विधानसभा क्षेत्र को नहीं जीत पाए हैं। हालांकि यहाँ पे अधिकतर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो अभी यहाँ पे ग्राम पंचायतों में हैं और BDC के माध्यम से जीत कर आए हैं, अधिकतर जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ के लोग एक सशक्त उम्मीदवार को चाहते हैं, जिसके मार्गदर्शन में वो यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। तो हम इस तरह के जो युवा कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, युवा कांग्रेस का फीडबैक है, उसको लेने के लिए हम प्रदेश भर का दौरा करते रहते हैं। और जब जब भी यहाँ की बात पौंटा विधानसभा क्षेत्र की आएगी, तो निश्चित तौर से हम यहाँ की जो नौजवानों की आवाज़ है, उसे कांग्रेस पार्टी हाईकमान तक, मुख्यमंत्री महोदय तक, प्रदेश अध्यक्ष तक जरूर रखेंगे। मगर उसके साथ ही साथ जो विनेबिलिटी का एक फैक्टर है, उसको भी हम प्राथमिकता देंगे। और जो भी व्यक्ति जिसपे भी ऐसा लगता है कि जो यहाँ से जीतने में पूरी तरह से सक्षम है, और जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का हर जन जिसके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा एक जो बड़ा कारण हमेशा हार का होता है, वो आपसी पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो गुटबाजी होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान संगठन को और उससे हमारा जो नुमाइंदा होता है उसको होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, कांग्रेस का युवा है, वो एक मत में और एक आवाज़ में अपने प्रत्याशी का नाम यहाँ से भेजे, इस पे कांग्रेस पार्टी को हाईकमान उस पे। तो ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो BJP पर जो सब जगह प्रोग्राम कर रही है सबका साथ सबका विकास, तो आपके चुनाव में मोदी फैक्टर कितना प्रभावकारी रहेगा, सरकारी रहेगा? वीरभद्र सिंह फैक्टर है और उनके नाम पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। पिछले विधानसभा चुनावों में भी धूमल साहब ने मिशन रिपीट का नारा दिया था, एक महीने के अंदर उस मिशन रिपीट को, मिशन डिफीट में कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो है उसे मिशन डिफीट में बदला। और उसके बाद जो ऐतिहासिक कार्य और निर्णय इस वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की जनता इस चीज को भली भांति जानती है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई गांव में, कोई दूरदराज क्षेत्र में कोई सड़क बनती है, कोई PHC बनता है, कोई पशु औषधालय बनता है, कोई वहां पे नलका लगता है, हैंडपंप लगता है, तो उसको बनाने के लिए मोदी जी दिल्ली से नहीं आने वाले। वो केवल यहाँ पे आके भाषणबाजी करते हैं, केवल यहाँ पे आके लोगों को जुमले सुनाते हैं, मगर सही रूप से अगर कोई आधुनिक विकास अगर गांव-गांव में जाकर, जनजातीय क्षेत्र में जाकर किसी सरकार ने, किसी व्यक्ति ने करवाया है, तो वो कांग्रेस पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम ने प्रदेश के अंदर करवाया है। और इसी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्य, क्योंकि हिमाचल है, यहाँ पे जो भेदभाव BJP की सरकार ने किया है, BJP की सरकार ने जो यहाँ पे अलग अलग वित्तीय प्लान्स में जो यहाँ पे जो पैसा की कमी प्रदेश को रखी है, इस चीज को भी हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। और इंस्पाइट ऑफ दोज फाइनेंशियल बर्डन्स, जो विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, उसको हम लोगों के बीच रखेंगे। शुक्रिया।
आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ MS7। नमस्कार।